यूपी में अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा बुलडोजर का ट्रेंड इतना लोकप्रिय हो गया है कि हमीरपुर जिले में अब एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में उसे बुलडोजर उपहार भेंट किया है। शादी में अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा बुलडोजर का गिफ्ट अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। शादी समारोह स्थल पर नया चमचमाता गुब्बारों से सजा हुआ बुलडोजर लड़की के पिता ने अपनी होने वाले दामाद को सौंप दिया। शादी में बुलडोजर दिए जाने की खबर लगते ही कई लोग इस शादी को देखने के लिए जमा हो गए। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव का है, जहां गांव के रिटायर्ड फौजी ने परशुराम प्रजापति ने अपनी बेटी नेहा की शादी नेवी में कार्यरत सौखर गांव निवासी योगेंद्र उर्फ योगी प्रजापति से तय की। शादी की सारी रस्में और कार्यक्रम का आयोजन सुमेरपुर कस्बे के शिव मैरिज गार्डन में हुआ। शादी में पिता ने अपनी बेटी को दहेज के रूप में बुलडोजर दिया है। पिता द्वारा अपनी बेटी को दहेज में बुलडोजर दिए जाने का यह अनोखा और पहला मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी की रस्मों के दौरान ससुर ने अपने दामाद को सैकड़ों बारातियों और जनातियों की भीड़ में बुलडोजर की चाबी सौंपी और यहां मौजूद लोगों ने इन पलों को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर शादी में बुलडोजर भेंट करने की वीडियो और फोटो जमकर वायरल हो रहा है। योगेंद्र प्रजापति दूल्हा ग्राम सोखर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भैया क्या नाम है आपका, किस गांव से हैं? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, सौखर गांव से, हमीरपुर जिला। किस पद पे कार्यरत हैं? मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ। अभी आपकी शादी हुई है जिसमें बुलडोजर मिला हुआ है, क्या कर? उसके कहना के ये है कि गिफ्ट में हमें बुलडोजर दिया गया है, अभी नेमली जेसीबी, अभी जेसीबी के नाम से सभी लोग जानते हैं। इसका पर्पज ओनली एक ही है कि रोजगार बनाओ और रोजगार दो, इसी के पर्पज है, जिससे लोग रोजगार मिले और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। कि किसी प्रकार की मांग थी या पहले से आपको जानकारी थी? इसकी कोई मांग नहीं थी, ना मुझे कोई जानकारी थी। ये हमारे ससुर जी ने दिया हुआ है गिफ्ट में, और दैट्स इट। तो जब आपको बुलडोजर मिला तो कैसी क्या खुशियां हैं आपके घर परिवार में? घर में सभी लोग खुश हैं, क्योंकि रोजगार के साथ साथ एक और इनकम का साधन हो गया, और जिससे गाड़ी में काम करने वाले दो बंदों को रोजगार मिला, वो भी खुश है। चल रहा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।